बच्चों की पैदाइश के बाद का एक मसला रह गया है, वो ये कि डॉक्टरों के हिसाब से और मेडिकल के हिसाब से बच्चों को पैदा होने के बाद ही 24 घंटे में ही कुछ वैक्सीन्स देनी होती है, कुछ इंजेक्शंस देने होते हैं, और फिर उसके बाद भी 1.5 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद एक मुसलसल पूरा प्रोसेस होता है जिसमें पोलियो के डोज वगैरह भी दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में बाज़ मरतबा जहनों में खलिश रहती है, बाज़ मरतबा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये इंजेक्शन्स और ये डोज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इसलिए कि हमारे मुस्लिम माशरे में इन डोसेस से मुतालिक बहुत सारी गलत फहमियाँ फैली हुई होती हैं कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ये मुहिम चलाती है, पोलियो की मुहिम चलाती है और दीगर बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी की सारी जो है ये तकरीबन अफवाहों के दर्जे में की चीज़ें होती है जिसका तहकीक से, रिसर्च से या हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो इस वजह से बच्चा पैदा होने के बाद इस तरह के जितने भी डोज है या वैक्सीन्स है इसके देने में कोई हर्ज नहीं होता है। आमतौर से ऐसी बातें हमारे माशरे में फैल जाती है कि अच्छा खासा आदमी भी कंफ्यूज रहता है कि भाई ये डोसेस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उसका खुलासा ये कि बिल्कुल लिए जा सकते हैं। देखिए, जब तक के कोई भी चीज़ उसका मान लीजिए कि हराम होना या उसका मुश्तबे होना या उसका नाजायज होना, जब तक के रिसर्च से, तहकीक से साबित ना हो जाए, उस वक्त तक हम उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगा सकते। तो माशाल्लाह मेडिकल के मैदान में हमारे बहुत सारे मुसलमान डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इन बातों पर नज़र रखते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, और अगर देखिए अगर ऐसी कोई चीज़ होगी भी तो वो ज़्यादा दिन तक ढकी छुपी नहीं रहती है, वो सामने आ जाती है। बल्कि इसके बरखिलाफ़ हमने ये देखा कि इस तरह की जो दवाइयों की मुहिम चलती है या डोसेस की मुहिम चलती है उसके ज़रिए से बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स की बीमारी हिंदुस्तान में पाई जाती थी, चेचक जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से निशान पड़ जाते थे और बड़े मसाइल होते थे। लेकिन ये इस तरह की मुहिम जब चलती है तो उसके ज़रिए से स्मॉल पॉक्स पूरे इंडिया से और दुनिया के कई ममालिक से अब ख़त्म हो चुका है। तो लिहाजा उसके बरखिलाफ़ हमको नतायज मिलते हैं। तो इसलिए जो बच्चों को जो वैक्सीन या डोसेस दिए जाते हैं इनके लेने में कोई हर्ज नहीं है।